नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम का टॉप 20 बुलेटिन। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों में की भारी गोलाबारी, एयर स्ट्राइक में इमारतों और कई बुनियादी ढांचे नष्ट। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुई बमबारी, यूक्रेन का दावा, हो सकता है चेर्नोबिल से 10 गुना बड़ा हादसा। यूक्रेन से आ रहे भारतीय छात्र को लगी गोली, इलाज के लिए वापस ले जाया गया की। मुंबई दिल्ली में इंडियन एयरबेस पर विमानों की लैंडिंग, आ जाएंगी 18 उड़ाने, यूक्रेन से वापसी का सिलसिला है जारी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा दावा, कहा यूक्रेनी सेना ने 3000 भारतीयों समेत कई विदेशियों को बनाया बंद। रूस और यूक्रेन ने तीसरे दौर की वार्ता जल्द होने की उम्मीद जताई। पुतिन के बयान पर यूक्रेनी जेलेंस्की का पलटवार, कहा बचाव नहीं अब हम भी करेंगे हम। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का आरोप, कहा रूस परमाणु आतंकवाद करने वाला एक आतंकवादी राज्य। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से किया अनुरोध, मैं काटता नहीं, आइए बैठकर बात करें। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से अधिक मांगी सैन्य सहायता। रूस पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने को तैयार है अमेरिका, लेकिन रखी कई शर्त। भागलपुर में हुआ बड़ा हादसा, बम बनाने के दौरान घर में हुए ब्लास्ट से 7 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मिर्जापुर में रैली, चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित, अमित शाह भी मोर्चे पर डटे। पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में करेंगे रोड। प्रधानमंत्री का बयान, कहा आने वाले वर्षों में भारत में ऊर्जा की मांग में होगी बढ़ोतरी, अपनानी होगी अक्षय ऊर्जा। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6396 नए मामले आए सामने, 70,000 से कम हुई एक्टिव केसों की संख्या। कर्नाटक के गुलबर्गी की दरगाह में प्रवेश को लेकर हुआ बवाल, अब तक 167 गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई फटकार, महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव में कोई आरक्षण की सीट नहीं हुई। शेयर बाजार में एक बार फिर हाहाकार, 700 से ज्यादा अंक टूटा सेंस। राहुल द्रविड़ से मिली 100वें टेस्ट की कैप, तो भावुक हुए कैप्टन विराट। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।